यूपी अपराध का गढ़ बन चुका है। इस बात को साबित करता हुआ एक मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद में सामने आया है। डीएलएफ कॉलोनी में स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ बदमाश आम कारोबारी आबिद के घर पहुंचे और उसके साथ मारपीट करते हुए जबरन गाड़ी में बिठा कर ले गए। ये घटना पास के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि आबिद की किडनैपिंग के दौरान लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी मदद की कोशिश नहीं की। बताया जा रहा है कि रास्ते में आबिद ने शोर मचाया, जिससे पीछे से आ रही कार के ड्राइवर ने 100 नंबर पर पुलिस को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर उनकी कार को घेर लिया और चार बदमाशों को धर दबोचा, साथ ही स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले को आपसी रंजिश करार दे रही है। न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट।